बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्में और उनके सीन्स और गानों के लिए सब्सक्राइब करें अल्ट्रा बॉलीवुड और बेल आइकन पर प्रेस करें। बाबा। हाँ बेटा लाया हूँ तेरा चॉकलेट। ये। तेरे की। चल अभी घूमने चलेंगे। हाँ रेखा। अरे भाई तुम अभी तक लेटी हुई तैयार नहीं हुई? मिसेस सेन की लाइफ पढ़ रही थी। कितने बड़े घर की बहू है और हीरोइन बन गई। हाँ बहुत बड़े घर की बहू है, हमारे घर की नहीं। चलो तैयार हो जाओ। अरे पकड़ 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 लिया मुन्ने को। कितना खूबसूरत मोतियों का हार है। हाँ बहुत अच्छा है। चल अरे कीमत तो पूछो। अरे कीमत पूछने से क्या होगा, बहुत महंगा है। चलो पूछो तो सही। ओफो, इसको संभालो। क्या चाहिए जी? नमस्ते। वो बाहर आपके शोकेस में एक वो मोती मोती का हार। हाँ कितना दाम होगा उसका? 1500 रुपये। 1500? अच्छा दाम है। अच्छा मैम नमस्ते। पूछ लिया। कितना है? 1500 रुपये। चलें? 1500? हाँ चलो। आंखें बंद करके चलाता है यू बम। अबे मुंह संभाल के बात कर नहीं तो। हे कैसा है साले? क्या साले हुलिया बना के अमेरिका से? अमेरिकन रिटर्न गाय। क्या डिप्लोमेटिक मुलाकात हुई साले? तू तो मुझे ऊपर पहुंचाने वाला था अभी। अच्छा ये छोड़, ये बता कब आया तू? बस 2-4 रोज हुए। सुना बाद में तूने शादी कर ली साहबजादे? यार कौन सा गुनाह कर लिया है, तेरी तरह इधर उधर हाथ तो नहीं मारता फिरता। अच्छा यार एक मुझे एक बात, मैंने तुझे टेलीग्राम भेजा था, तूने साले मुबारकबाद तो नहीं भेजी यार? अबे साले तू जानता है कि अमेरिका में कितना बिजी रहता था। अच्छा बेटा वहाँ भी बिजी है? अच्छा बकवास बांधकर गाड़ी में बैठ, भाभी से मिलना चल। ये ठहर ठहर ठहर, मुझे ऑफिस जाना है। अबे इतने दिनों के बाद मिला फिर भी ऑफिस की बात? मार गोली ऑफिस को, बैठ जा। यार वो मैं अपनी साइकिल उठा लेते हैं, चल गाड़ी में रखते हैं, चल चल। रेखा, अरे रेखा, सीट खराब हो रही है मका। अच्छा वही अपनी पुरानी गली है। अरे रेखा ये देखो कौन आया है, पहचाना तुमने इन्हें? तुम कैसे पहचानोगी, जब हमारी शादी हुई थी तो ये अमेरिका में था। अरे ये हमारे बचपन का दोस्त है रंजीत मल्लिक। हाय भाभी। अरे नमस्ते करो भाई। हाँ? नमस्ते। हेलो भाभी, हेलो। ये गाड़ी आपकी है? जी नहीं मैं खरीद के लाया हूँ। अरे ऐसे इनके पास बहुत सी गाड़ियाँ हैं, बाप बहुत माल छोड़ गया इनका। अबे साले अपनी जबान को लगाम देता है कि नहीं, बाप बहुत माल छोड़ गया। अरे हम भी तो कुछ चीजें यार। अरे अच्छा यार क्यों भाभी, आपको ये गाड़ी पसंद है? बहुत खूबसूरत है। तो हम सब लोग अभी इसी वक्त इस गाड़ी में लंबी सैर के लिए जाएंगे। क्या बात कर रहे हैं, अभी अभी तो आया है अंदर, चल जरा चाय वाय पीते हैं। अबे उल्लू की दुम, चाय वाय बाद में पी लेंगे, चाय तो हम भाभी पी सकते हैं। चलो भाभी जल्दी से तैयार हो जाओ, चलो आजा आजा। अरे ए मिठुन नमस्ते करो, देखो तुम्हारे रंजीत चाचा है, नमस्ते करो, नमस्ते करो। आ बेटे आओ। अरे भाई तुम्हारे साहबजादे तो हमें बड़ी शक्की निगाहों से देख रहे हैं। देखेंगे क्यों नहीं, चेहरा ही कुछ इस तरह। अरे साले चुप कर। पापा मेरा चॉकलेट। अरे बेटा तुम्हारा चॉकलेट तो मैं भूल ही गया, ये जो तुम्हारे इम्पोर्टेड चाचा है ना, इन्होंने मुझे ऑफिस ही नहीं जाने दिया, मैं चॉकलेट कहाँ से लाता? आज के लिए सिर्फ तेरे की। इसे कहते हैं पार की रंगीनियां। अरे 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 मिठुन, मिठुन लगता है मेरे दोस्त को बच्चे से कुछ ज्यादा ही प्यार, जो बीवी को छोड़कर बच्चे के पीछे भाग गया है। आइए
अरे रुक जा भैया, रुक रुक। अरे ये मिठुन कहाँ छुप गया भाई, कहाँ छुप गया मिठुन, अभी अभी तो यही था। नहीं नहीं रेखा भाभी, तुम जो चाहो कहो, लेकिन है बहुत ज्यादती। तुम्हारी जैसी टैलेंटेड लड़की की जिंदगी घर गृहस्थी की चार दीवारी में खत्म हो जाए, छी छी, ये बात तो बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर। और मेरी समझ में नहीं आता कि अमित कितना बड़ा इडियट है। अगर तुम मेरी बीवी होती ना तो मैं तमाम दुनिया के सामने ये टैलेंट। मेरे ख्याल से अब हम लोगों को चलना चाहिए, हम लोग यूं ही चले आए वो लोग हमें ढूंढते होंगे। तुमने ठीक कहा भाई, अब कहीं ये ना समझ ले कि मैं उसकी बीवी को ले भागा हूं। लॉक अबाउट टर्न। सुनो। हाँ, कौन कौन? रेखा क्यों हुआ, क्यों हुआ? कुछ नहीं कुछ नहीं। हाँ। सो रही थी क्या? हाँ। मैं एक बात पूछूं? हाँ हाँ। तुम्हारे दोस्त रंजीत बाबू बहुत पैसे वाले हैं ना? हाँ, क्यों इतनी रात गया उसके घर डाका डालने जाना क्या? ओफो, तुम्हें तो हर बात में मजाक सोचती है। वो तुम्हारा दोस्त है, उससे कुछ रुपया उधार लेकर तुम कोई बिजनेस क्यों नहीं शुरू कर देते? बिजनेस? हाँ हाँ, और नहीं तो क्या, ऐसी नौकरी से क्या फायदा, क्या जिंदगी भर ऐसे चलता रहेगा? मैं एक बात कहूँ? कहो। मुझे सुबह ऑफिस जाना है। हाँ? मुझे सोना चाहिए ना, और मेरे ख्याल में तुम्हें भी सो जाना चाहिए। जाओ जाओ सो जाओ, और जरा लाइट बंद कर दे। हाँ। एक लड़का होता है, तरकारी ले लो भाजी। हाय। पापा घर में नहीं है। अच्छा, पापा घर में नहीं है, मम्मी तो है। अरे आओ, आइए आइए, अंदर आइए ना। आ तो पहले गया था, लेकिन ये पापा का बेटा दरवाजे पर चौकीदार बन के खड़ा था। बाप रे बाप। अरे ये फोटोग्राफ तो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। अच्छा अच्छा, शायद ये उसी फंक्शन का फोटोग्राफ है जिसमें हमारा दोस्त घायल हुआ था। बैठे ना, कहिए क्या पेंगे आप? वो सब बाद में होगा, पहले मैं आपको अपना प्लान बताता हूँ। प्लान? प्लान, मेरा प्लान ये है कि एक गोली से दो चिड़ियों का शिकार, एक तो आपकी कला का प्रचार, और इसी बहाने हमें आपका डांस देखने को भी मिल जाएगा। जी जी हाँ, और ये काम भी बहुत नेक है। जिस प्रोग्राम में आपको डांस करना है वो एक चैरिटी शो है। बेटा अमित, जरा सुनो तो। अमित, ये गाड़ी तुमने खरीदी है? नहीं बुआ, ये मेरे दोस्त की है। ओ, दोस्त की है, हर रोज देखती हूँ, दोपहर में यही खड़ी रहती है, मैंने सोचा तुमने खरीदी है। दोस्त की है, अच्छी है, बहुत अच्छी है। मिठुन, हे हे मिठुन मिठुन, आ गया पापा। ये तेरे की, चल अंदर चलते हैं। तेरे जिक्र हो रहा था। कब आया तू? बस अभी भी आया। सुनो, रंजीत बाबू क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? अरे यार, कोई भयानक बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ। बैठ बैठ। हाँ। एक चैरिटी प्रोग्राम हो रहा है। अच्छा। उसके लिए मैं आपकी धर्म पत्नी के सामने अर्ज पेश कर रहा था कि वो हमारे प्रोग्राम में एक आइटम दे। हाँ, बहुत अच्छी बात है, इसमें मुझे क्या इतराज हो सकता है। मैंने कितने दिनों से प्रैक्टिस नहीं की। अरे भाई, प्रैक्टिस करने में कितनी देर लगती है? एग्जैक्टली। और फिर भाभी, तुम्हें फिक्र करने की क्या जरूरत है, इसकी सारी जिम्मेदारी मुझ पर है। अच्छा यार अमित, मैं चलूं। अरे भाई, चाय तो पीते जाओ। नहीं यार, मुझे देर हो रही, मेरी फर्म के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है, फिर मिलेंगे। ओके, सी यू। ओके, बाय बाय। बाय बाय भाभी, बाय बाय। रेखा। हाँ? ये रोनू क्या हर रोज दोपहर को यहाँ आता है? नहीं तो क्यों? देखो तो, बुआ का कितना छोटा दिल है। इस मोहल्ले में रहने वालों का दिल बड़ा हो ही नहीं सकता।
आ, 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 देखो ये गलत बात है, ये तो सरासर अटैक है मुझ पर। और नहीं तो क्या, तुमने ये सवाल मुझसे पूछा क्यों? अरे भाई तुम मेरी धर्म पत्नी हो, मेरे दिल के अंदर कोई बात है मैं तुमसे खुल के बात नहीं कर सकता हूँ। छोड़ो इन बातों को, मेरे लिए तो चाय बना सकती हो ना, प्लीज। चाय। हेलो रोनू। हाँ मैं अमित, कैसे हो? हाँ अच्छा रोनू, क्या था आज शाम को तुझे मेरे आना हो? बाद में बताता हूँ, लेकिन रोनू उससे पहले मैं तुमसे जरा मिलना चाहता था, एक जरूरी काम है। जरूरी काम? हाँ। क्या बात? वो मैं आके बताता हूँ ना। रोनू। हाय अमित, कम ऑन। सॉरी मुझे आने में देर हो। अरे कोई बात नहीं यार, चल बैठ। बड़ा किस लिए? मैं कुछ नहीं लूंगा। अरे घबराता क्यों है यार, ये मत पीना, चाय तो पिएगा ना। नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या है रोनू, मुझे एक जरूरी बात करनी है। क्या बात है? रोनू तू मुझे कुछ पैसे उधार देगा? चलेगी इतनी सी बात? बोल कितने पैसे चाहिए? यही कोई 2000 रुपए। बस अभी मिल जाएगा यार। लेकिन जो तो बता कि इतने पैसों की जरूरत एकदम कैसे आन पड़ी? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बात यह है कि उस दिन सरकार एंड सन्स में रेखा को एक मोतियों का हार बहुत पसंद आ गया। हार जरा कीमती था और तू तो अपनी हैसियत जानता है यार, मैंने सोचा आज उसका जन्मदिन है उसे एक सरप्राइज दूंगा। हद तेरे की यार, तुम भी कमाल के आदमी, ऐसी बातें 2-4 रोज पहले बतानी चाहिए। अब इतना सारा रुपया एकदम कहां से आएगा? बहुत मुश्किल है यार, बहुत मुश्किल है। कोई बात नहीं, अच्छा मैं चलूं? हाँ आज रात को आ रहे हो ना, रेखा ने बार बार कहा था। ऑफ कोर्स यार, ये भी कोई कहने की बात है, मैं जरूर आऊंगा। अच्छा आइए आइए बाबूजी, नमस्कार, देवी जी का जन्मदिन है। देखिए अच्छे से एक दर्जन बांध दीजिए। एक दर्जन? देखिए सुनिए सुनिए सुनिए, 2 दर्जन। अच्छा Many happy returns of the day. अरे क्या कर रहे हो? क्या हुआ? देखो तो सही कौन है? ओए रोनू, कब आया तू? अरे मुझे आए तो बहुत देर हो गई, लेकिन तूने इतनी देर कहाँ कर दी? क्या करता यार, वो जरा काम में फंस गया था। बैठ 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 ना, बैठ बैठ। हाँ इधर। मालूम है तुम्हारे दोस्त ने क्या किया? क्या किया? मेरे लिए ये ले आए हैं। ये रोला है? देखे तो सही जरा। तुम्हें याद है कि वही मोतियों की माला है जो उस दिन हमने शोकेस में देखी थी। अरे यार घूर घूर के क्या देख रहे हो? मैंने तेरे जैसा बेईमान दोस्त आज तक नहीं देखा। भाभी को जन्मदिन का तोहफा देना है, क्या मैं नहीं दे सकता जो तुझे उधार लेके देना पड़े? कुछ भी कहो यार, तू मुझे अपना दोस्त नहीं समझता। क्या बात है? कुछ नहीं भाभी, बड़ा कमीना है ये। खैर छोड़ो इन बातों, लेट अस सेलिब्रेट टुडे। वेट। ये क्या रोनू, जैसे पहचानते नहीं क्या है? नहीं नहीं यार, यहाँ ये सब नहीं चलेगा। क्या नहीं चलेगा? हाँ क्यों, क्या बात? भाई तू समझता क्यों नहीं है, पड़ोस वाले क्या सोचेंगे? डोंट बी सिली एंड डोंट टॉक रबिश। आज इतनी बड़ी खुशी का दिन हम नहीं मनाएंगे क्या? भाभी जल्दी करो, तुम्हारे घर में शैंपेन के गिलास विलास तो होंगे नहीं। ऐसा करो घर में चाय की प्यालियां कटोरियां टोरियां जो भी मिले जल्दी से लेकर आओ। कम ऑन, अरे मुंह क्या देख रही हो, जल्दी करो ना। क्विक भाभी। ये लो भाभी। अरे मैं नहीं नहीं, मैं शराब वराब नहीं पीती। अरे बाबा ये शराब थोड़े, ये शैंपेन है, शैंपेन। कम ऑन। अरे यार अपनी बीवी को समझाओ ना। हाँ भाई ये शराब नहीं है तो शुरुआत है, मेरा दोस्त तुम्हारे लिए इतना कीमती तोहफा लाया है उसका दिल रखने के लिए पी लो। नाउ कम ऑन भाभी, टेक इट। हैप्पी बर्थडे टू यू। ये बात हुई ना, अबे तू तो पिएगा ना? एक ही बोतल। अच्छा अरे चिंता मत कर, ड्राइवर को भेजा है, विस्की ला रहा है, ब्लैक लेबल। हाँ तो ठीक है डाल। ये बात चीयर्स।
that's it. That's the spirit. Buttons up. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. Ah, अरे भाई किधर है तुम्हारा ड्राइवर? वो ब्लैक लेबल, ग्रीन लेबल, येलो लेबल. हाँ. अरे भाई कहाँ है तुम? हाँ. मैं खाना बना रही हूँ. हाँ तो तुम बनाओ, बनाओ खाना बनाओ. अरे अच्छा अच्छा. हाँ आ गया ब्लैक लेबल. गोपाल की माँ आ रही हो? गोपाल की माँ क्या है दीदी? देख देख अब तो शराब भी शुरू हो गई. बाटली पे बाटली आ रही है. अरे एक घंटी इधर आ. इधर क्या बुआ क्या? देख देख क्या शुरू हो गया इस मोहल्ले में. कुछ नहीं हो रहा बुआ, कुछ नहीं. पार्टी समझती हो? बर्थडे पार्टी. बर्थडे पार्टी. अरे वाह रे पार्टी. बस बस. तो मिस्टर रंजीत मल्लिक मेरा दोस्त, तुम्हारे पास रुपया नहीं है, है? दो चार दिन पहले पूछना चाहिए था. अरे यार अमित, एक घूट पीकर तूने ये सब क्या शुरू कर दिया? एक घूट पीकर? और तुम साला सिंकिंग सिंकिंग ड्रिंकिंग वाटर. एकादशी फादर डज नॉट नो. ये सब क्या हरकतें शुरू कर दी तुमने? यू शट अप. दिस इज बिटवीन टू फ्रेंड्स. यू डोंट टॉक. डोंट टॉक. ये अमित ये क्या हो रहा है? यू शट अप. दिस इज बिटवीन हस्बैंड वाइफ. तुम साला थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर. यू डोंट टॉक आई टेल यू. अच्छा बाबा. डोंट टॉक. अच्छा मेरा ख्याल है भाभी मुझे चलना चाहिए. नहीं नहीं ये कैसे हो सकता है? मैंने दिन भर मेहनत करके आपके लिए खाना बनाया. लेकिन भाभी यस यू नॉट गोइंग. यू सिटिंग. वाइफ कुकिंग. यू ईटिंग देन गोइंग. हाँ बाबा मैं खाना खाकर ही जाऊंगा. ओके भाभी. ओके खाना मैं फिर किसी दिन खा लूंगा. इस वक्त से कंप्लीटली आउट है. लेकिन यस आई एम कंप्लीटली आउट एंड यू गेट आउट. ओके ओके यू गेट आउट. सुनो गेट आउट. साला किधर गया? अंदर चलो. यू अंदर चलो. साला थर्ड पर्सन गेट आउट. साला न्यूट्रल थर्ड पर्सन जेंडर. साला सिंगुलर पर्सन न्यूट्रल जेंडर. कंप्लीटली आउट. यू गेट आउट. यू गेट आउट. यू गेट आउट. साला ये सब तमाशा की क्या जरूरत है? आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? तोड़ो तोड़ो सब तोड़ो सब तोड़ो. ये माला लाया तुम्हारे लिए. साला ये इसको तोड़ो इसको तोड़ो. ये नहीं तोड़ेगा. ये तो पहनेगा. लो लो पहनो पहनो. हम साला क्या हम साला तुम्हारे लिए ये न्यू मार्केट से फूल लाया. I'm ready full. Completely out. कुछ तो शर्म करो. सारे मोहल्ले ने तो देख लिया. अब मुन्ना भी देख रहा है. मुन्ना मिडन पापा पास आ जा. मुन्ना फिनिश. अरे बाप रे. एक बात पूछूं? कल रात तुम्हारे सर पर ऐसा कौन सा भूत सवार हो गया था जो घर बुलाए मेहमान को सारे मोहल्ले के सामने बेइज्जत करके घर से बाहर निकाल दिया? पता नहीं मुझे क्या हो गया था रेखा. मैंने रोनू को बहुत बुरा भला कहा किया. तुम होश में होते तब तुम्हें याद रहता ना. मैं तो हमेशा यही सुनती आई हूँ कि शराब के नशे में दिल की बात जबान पर आ जाती है.
तुम्हारे दिल में ऐसी कौन सी बात थी जो तुम अचानक जल उठे? सच बताऊं रेखा, क्या है, जिस दिन से तुमने वो मोती का हार पसंद किया है उस दिन से मेरे दिल में ये तमन्ना रही कि वो हार मैं तुम्हें दूं। कल तुम्हारा जन्मदिन था, मैं रोनू के पास पैसे उधार मांगने गया। मैंने उसे वजह भी बताई कि मुझे पैसे क्यों चाहिए। उसने मुझे ये कहकर वापस लौटा दिया कि उसके पास पैसे नहीं। यहां आता हूं तो देखता हूं कि वही हार वो तुम्हारे लिए लाया तो दिल की आग भड़क उठी। मगर ऐसे झूठी शान दिखाने की क्या जरूरत है? आज 3 साल से मकान गिरवी पड़ा है, उसे तो आज तक तुम छुड़ा नहीं पाए। देखो रेखा, तुम चिंता मत करो, मैं ऑफिस जाते समय रोनू से मिल लूंगा, उससे माफी भी मांग लूंगा, और तुम देखना शाम को वो मेरे साथ यहाँ आ जाएगा। वो इस घर में आए तब ना। रेखा, रोनू मेरा दोस्त है,